नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बाद आ रही जमीनी रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानून के खिलाफ लगभग 3 महीने से चल रहे आंदोलन पर रिपोर्ट दी है। आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्रों की माने तो अगर किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जाट वोट बैंक खिला सकता है। आज यानी 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। उनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उससे 1 महीने पहले से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि इसी उपवास के कारण ही उनका शरीर कमजोर होता गया और फिर 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दरअसल काला पानी की सजा ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला था। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका ने नियंत्रण रेखा तथा अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम के सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने के भारत और पाकिस्तान के संयुक्त बयान का स्वागत किया है और इसे दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान से क्षेत्र के नेताओं और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग हुआ। इस दिशा में केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मथुरा की किसान पंचायत में मुलाकात करने वाली गैंगरेप पीड़िता के मामले में एक्शन हुआ है। राजस्थान की पुलिस ने इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भरतपुर में ये गैंगरेप का मामला सामने आया था, इसमें अब एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा पीड़िता को मुआवजा भी दिया गया है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनावों की तैयारी भी की जा रही है और इस बीच पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता स्थित मुख्यमंत्री आवास पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है। जिन राज्यों में ये टीमें भेजी गई हैं वो हैं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर। ये टीमें इस बात का पता लगाएंगी कि आखिर कैसे इन राज्यों में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय करेंगी। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1300 नई बसें शामिल होंगी। इनमें 800 बसों को इसी साल बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इन बसों की खरीद के बाद 500 और बसों के ऑर्डर दिए जाएंगे और इस साल जो 800 बसें खरीदी जानी हैं उनमें से 400 बसें 31 मार्च तक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में टेंडर में आने वाली कंपनियों के एक साथ 800 बसों की खरीद के लिए बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी के बाद अब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की भी जल्द ही एंट्री हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खुद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वे जल्द ही राजनीति में एंट्री करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और इन दिनों 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में पश्चिम विक्षोभ का सीधा असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने यहाँ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों में गर्जना और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।